कैसे सफर की, जिसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ एहसास था, इंसानियत का एहसास। बेयारो मददगार, भूखी प्यासी और सिसकती इंसानियत का एहसास। पॉकेट वेलफेयर ट्रस्ट के साथ आजमाइश के इस सफर की दिलगुदाज दास्तान सुना रहे हैं सालार काफला, मुफ्ती तारिक मसूद साहब। تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحومك الطير تحلق في ثقافاتك وش بڑا ہی مانو ہے देखिए सिंधी में क्या बोलते, क्या नाम है? चाल है, खैरियत है? अस्सलामु अलैकुम। इधर आओ यार, अस्सलामु अलैकुम। बोलो वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। 2016 में हमारा पॉकेट वेलफेयर ट्रस्ट इस्लामाबाद की जानिब से ये प्रोजेक्ट लगाया हुआ है। इससे पहले जो हम वो कुएं से पानी, पुराने हमारे ओरिजिनल जो कुएं के सीसी वाले वो खुदे हुए हैं, तो उनसे हम पानी भर के लाते थे। वो ऊँटों और खोतों के जरिए पानी निकालते थे। किसके जरिए? ऊँटों और खोतों के जरिए। खोते गधे? अच्छा, गधों के जरिए पानी निकालते थे 200 फुट नीचे से। अच्छा, तो वो भी उस पर तकरीबन दो लोग जो है वो मसरूफ होते, एक गधों के पीछे जाने वाला, रस्सी खींचने वाला, और दूसरा वो डोल पकड़ने वाला। अच्छा, तो इस तरह हमारा जो है ना गुजर सफर चलता था। तो उसमें दो लोग बंदे जो है वो मसरूफ रहते थे, और तीसरा पानी भर के घर लाने के लिए, मतलब कि तीन बंदे जो है ना वो मसरूफ रहते थे। तो तीन बंदे मुस्तकिल कुएं पे 24 घंटे रहते, 24 घंटे वो भी नंबर नहीं मिलता था कभी बार। तो जाहिर बस्ती के सारों लोगों को इमरजेंसी पानी की जरूरत पड़ जाती, तो जाहिर है उनको तीसरे दिन चौथे दिन कभी कभी हफ्ता भी लग जाता था। अच्छा, इस तरह उनका नंबर मिलता था। तो यहाँ पे पॉकेट की टीम यहाँ पे आई, उन्होंने यहाँ पे विजिट किया, सर्वे करने के बाद उन्होंने पहले ये कुआं खुदवाया है। अच्छा, सबसे पहले इन्होंने ये कुआं खुदवाया है, ये तकरीबन 210 फुट नीचे जमीन के अंदर है। अच्छा माशाल्लाह जी हाँ। तो कुआं खुदा, इसके बाद में इन्होंने पानी की टैंकी बनाई स्टार के लिए। तो ये टैंकी जो है यहाँ पे हमें मुमकिन नहीं थी कि ऐसी कोई टैंकी बनेगी कोई पानी स्टार के लिए। ये नीचे पाइप लाने जा रही है, ये नहीं, ये टैंकी है पूरी पानी की जी, ये पूरी टैंकी है। नीचे हमारा सिस्टम लगा हुआ है, इसका बटन का ऑन ऑफ करने के लिए, ऑपरेटर के लिए, जो ऑपरेटर ऑन ऑफ करता है उसके लिए ये नीचे जो गेट लगा हुआ है, दरवाज़ा। अच्छा, यहाँ पे अंदर सामान लगा हुआ, ऊपर टैंकी का सिस्टम है, और आगे वाल जो है वो लगे हुए हैं, सारे बस्ती वालों को पानी घर पे देने से मिलता है। एक बंदा इस पे मुस्तकिल रख लिया आप लोगों ने जी हाँ। और ये सोलर सिस्टम लगाया हुआ, उसके साथ ये हमने सोलर सिस्टम लगा दिया है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। उससे ये तकरीबन जो है सूरज सुबह निकलने से लेकर शाम को डूबने तक पानी चलता रहता है। माशाल्लाह जी। और सर, इस तरह के बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। अच्छा, कितने प्रोजेक्ट होंगे? तकरीबन सोलर के प्रोजेक्ट तकरीबन 30 से ज्यादा है। अच्छा माशाल्लाह, सोलर के 30 से ज्यादा प्रोजेक्ट है। ये बहुत ही पसमानदा इलाका है जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त। आप जरा बच्चों की हालत देखें, बेचारों की, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, क्या हाल है, खैरियत है? ये बहुत पसमानदा इलाका है, और बहुत लंबा सफर करके रास्ते में जो है ना, तो आप देखें कि इन्होंने माशाल्लाह पॉकेट वालों ने यहाँ कुएं बनाए हैं। पहले कुएं में जो है ना ऊँटों के जरिए, गधों के जरिए पानी लेके जाते थे, और दो तीन बंदे 24 घंटे इस काम के लिए मामूर थे। फिर एक एक हफ्ते बाद लोगों का नंबर आता था, पानी मिलता था। तो पॉकेट वालों ने यहाँ सर्वे किया, और माशाल्लाह ये कुआं बनाया इन्होंने, टैंकी बनाई, और सोलर सिस्टम लगा दिया। मोटर 24 घंटे चलती रहती है? नहीं, सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक। अच्छा, सूरज निकलने से सूरज डूबने तक मोटर चलती रहती है? मोटर चलती रहती है। और माशाल्लाह बस्तियों को माशाल्लाह पानी मिलता है। अल्लाह ताला कबूल करे भाई आप लोगों की मेहनत। और बच्चे ठीक ठाक हो ना? क्या नाम है तुम्हारा? मुहर्रम अली। और इसके साथ पॉकेट की तरफ से ये मकतब भी हमारा बनाया गया, और यहाँ पे मुस्तकिल के लिए उस्ताद भी रखा गया पॉकेट की तरफ से। माशाल्लाह, पॉकेट जो है वो इनको मकतब में क्या पढ़ते हैं बच्चे? कुरान कायदे और नाज़रा। कितने बच्चे होंगे इस वक्त? तकरीबन 75 बच्चे हमारे पास यहाँ पढ़ते हैं। माशाल्लाह जबरदस्त। तो कितने उस्ताद हैं उन पर? उन पर एक उस्ताद है फिलहाल। तनख्वाह पॉकेट की तरफ से? तनख्वाह मिलती है। ये पूरा यहाँ पे कुछ भी नहीं था पहले, यहाँ पे जब पॉकेट वाले आए थे पहले यहाँ पे ये बिल्कुल सड़क थी। तो गवर्नमेंट का कोई स्कूल नहीं कुछ, है कुछ भी नहीं। यहाँ पे तकरीबन 15-20 किलोमीटर पीछे गवर्नमेंट का स्कूल है, लेकिन 15-20 किलोमीटर रेगिस्तान में सफर करना भी अच्छा खासा टेंशन वाला है। अशद जो जरूरत है वो है तालीम, असली तालीम की। अच्छा, अभी तक यहाँ असली तालीम नहीं है? तालीम का कोई निज़ाम नहीं।
तो आप ये बता रहे हैं इस तरह के 30 कुएं और 30 सोलर, 30 सोलर वाले लगे हुए हैं। इसके अलावा 100 से ज्यादा तो हमारे बिजली के लगे हुए हैं, जहाँ पे बिजली है वहाँ पे तो 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट है, तकरीबन 151 पाक एड की तरफ से। ये यानी 100 से ज्यादा सोलर सिस्टम गाँव देहातों में यहाँ लगाए बिजली वाले सर, बिजली मुहैया करने के लिए। जबरदस्त, अल्लाह कबूल करे।